उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत एवं योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की खुशी में जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे पर पंजाबी समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर योगी आदित्यनाथ की जीत की बधाई दी, जिसके संबंध में गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि 5 सालों में योगी सरकार के कार्यकाल में संपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित गोरखपुर जनपद का अद्भुत विकास हुआ है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने हमेशा सिख पंजाबी समाज को विश्वास दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता तथा भाजपा सरकार की ऐतिहासिक विजय पर हमारे समाज का अभी दायित्व बनता है कि हम सब सीएम योगी को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करें। इस अवसर पर अशोक मल्होत्रा, बलवीर सिंह, हेमंत चोपड़ा, रघुवीर सिंह, गुरमीत कौर, गगन सिंह, दलजीत सिंह, सुनील राजपाल, अरविंद हरिगुप्ता, बबलू गुप्ता तथा अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, हम लोग कट गए सबको, सब पीछे भाई, थोड़ा सा पीछे हो गए आप लोग, अरे यार बीच में मत कूदो, अरे खिलाइए खिलाइए भैया, खिलाइए खिलाइए। जसपाल सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में पूज्य महाराज जी के विराट विजय पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनकी खुशियाँ मना रहे हैं, उनको बधाई देने के लिए, उनकी बधाई स्वीकार करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और यहाँ पर आज मिठाई का वितरण हो रहा है। उनकी खुशी में यहाँ पर लंगर का भी आयोजन है। हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि हमारे पूज्य महाराज जी की एक विराट विजय हुई है। ये 35 सालों के बाद हो रहा है कि एक व्यक्ति जीता वो दोबारा मुख्यमंत्री बन रहा है, तो एक उन्होंने एक रिकॉर्ड भी स्थापित किया है कि वो पुनः मुख्यमंत्री बने। हम आशा करते हैं, अरदास करते हैं गुरु महाराज जी से कि वो ऐसे ही उनको विजय दिलाते रहें और एक देश की राजनीतिक शक्ति को जो हमारे धर्म की एकता के लिए, राजनीतिक एकता के लिए कार्य करती रहें। ओके, जीत किस रहे किसको दें? एक बहुत अप्रत्याशित जीत है। जैसा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि अब किस महाराज जी सरकार नहीं आएंगे, लेकिन हम पुनः 300 के आसपास पहुँच गए हैं, 2/3 बहुमत से ऊपर हमारी बहुमत हो गया है। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है कि हालांकि विरोधी पार्टियों द्वारा बहुत प्रचार किया जा रहा था, नरगल प्रचार किया जा रहा था, देश की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उन सब शक्तियों को बहुत करारी हार हुई, उनको बहुत चोट पहुंची है और एक राष्ट्रवादी सरकार का पुनः निर्माण हुआ है। इससे बढ़कर कोई बात खुशी की बात नहीं हो सकती हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए योगी महाराज जी ने सिख समाज के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर सिख संस्थान के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं वो आज तक कार्य नहीं किए थे। इसके पहले हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि हम लोग भी अल्पसंख्यक सरकार के भारत के हिस्सा हैं, लेकिन पूज्य योगी महाराज जी के आने के पर उन्होंने इस गुरुद्वारे के लिए भी बहुत कार्य किया हुआ है, मोदीपुर गुरुद्वारे के लिए भी दान किया है और भी उन्होंने शहजादा दिवस बाल दिवस घोषित किया है। इन सब खुशियों से हम लोग सिख उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं और उनको हम आशा करते हैं कि उनका हमको ऐसे ही उनका सहयोग मिलता रहेगा। संगत वालों को बहुत बहुत बधाई।